लोक महापर्व हरेली के अवसर पर लैलूंगा विधायक ने अपने क्षेत्र के ग्राम बगुडेगा में जन प्रतिनिधियों व सभी विभाग के सशासकीय कर्मचारी एवं ग्रामीणों के साथ मिलकर गोधन तथा कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बगुडेगा में हरेली पर्व मनाया गया। इस अवसर पर लैलूंगा अनुविभागीय अधिकारी सीमा पात्रे, लैलूंगा पंचायत संघ अध्यक्ष महेंद्र सिदा, जनपद अध्यक्ष किरण पैकरा, बगुडेगा सरपंच निर्मल कुजूर सहित अनेक जनप्रतिनिधि व सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को नए साल के पहले त्योहार की बधाई दी। लैलूंगा विधायक ने पर्व से जुड़ी परंपराओं का निर्वहन करते हुए रहचुल और गिल्ली डंडा के खेल का आनंद लिया। कृषि विभाग द्वारा बीज, खाद, कीटनाशक दवा व टैंक का वितरण करने के साथ ही पौधे भी रोपे। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हरेली का त्योहार मनाने के लिए आज लैलूंगा विधायक बगुडेगा गौठान पहुंचकर ग्रामीण परिवेश का स्वरूप दिया गया। विधायक निवास में गांव के घरों में जिस प्रकार पूजा की जाती है, उसकी तरह सभी के घरों में कलश दीप ज्वलन कर झांकी तैयार की गई। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यकर्मा लोक नर्तकों, लोक गायकों ने पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों एवं साज सज्जा के साथ प्रस्तुति दी। आज छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना हरेली त्योहार लागू की गई है। इसमें लैलूंगा विकास खंड के ग्राम पंचायत बगुडेगा में हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। इसमें सभी विभागों का समायोजित की गई है। उसमें फॉरेस्ट विभाग का भी कुछ चीज़ का यहाँ वितरण किया जा रहा है, पौधों का आपके कृषि विभाग से भी संबंधित कुछ चीज़ों का यहाँ वितरण किया जा रहा है और अन्य विभाग को भी समाहित की गई है। और इस कार्यक्रम में जनताओं को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है, ऐसे हम लोगों का सोच है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो ये गोठान कार्यक्रम लागू की गई है बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे महिला स्व सहायता समूह को समाहित की गई है और महिला स्व सहायता समूह अगरबत्ती भी निर्माण कर सकता है, ईंट भी निर्माण कर सकता है, मुर्गी भी पाल सकता है एवं साग सब्जी भी उत्पादन कर सकता है और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। प्रथम त्यौहार है हरेली, इसके लिए लैलूंगा विधानसभा के लोगों को दो शब्द। मैं ये हरेली प्रथम त्यौहार है, इसके लिए मैं लैलूंगा विधानसभा के सभी जनताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ऊपर भगवान देवी देवता से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों को, यहाँ की जनताओं को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को सुख शांति प्रदान करे, वैभव प्रदान करे और उन्नति करे, यही कामना करता हूँ। विधायक ने उनका उत्साहवर्धन किया। संजय सारथी की रिपोर्ट।